तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी न्यू पूरी होरा वंदे भारत एक्सप्रेस जर्नी विद रेलवे मिनिस्टर। चलिए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, कहाँ नई वंदे भारत आई है और क्या क्या वहाँ पे मेला सजाया गया है। मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए भी वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जब भी मैं इधर आता हूँ पारिजात में जरूर आता हूँ मैं। जब भी आते हैं भाई इनवाइट जरूर करती है अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए। वाइब्स अच्छी हैं, मतलब जब भी है ना, मैं जैसे लास्ट टाइम आया था तो मुझे कुछ अच्छा रेस्टोरेंट दिखा नहीं था। हाँ तो ऑन द रोड है काफी के सामने। अभी देख लो 11 बजे और रश देख लो एक बार। फाइनली देख लो यही होने वाला है एकदम सिंपल। तो वैसे भी अक्षय प्योर वेजिटेरियन है। खाना दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, काम करता है, टूट पड़ता है खाना में क्योंकि बहुत जोर का भूख लगा है। और आज का ब्लॉग का शुरुआत देख लो मैं कहां से कर रहा हूं, पुरी के जगन्नाथ टेंपल से। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय जगन्नाथ। ऑलराइट तो देख लो अभी जैसे ही निकल रहा था मैं जगन्नाथ टेंपल का दर्शन करके। भाई नेम बता दो अपना। श्रीराम पुण्य। श्रीराम पुण्य। अरे अरे बहुत बढ़िया लगा मिलके। यहाँ आने का मेन रीजन आपको ही पता है क्या है कि उड़ीसा का पहला वंदे भारत आ चुका है और आज उसका है पहला इनॉग्रल रन। आज वैसे डेट है 18 तो आज इनॉग्रल है। कमर्शियल का अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कमर्शियल कब है, वो आपको पता चल जाएगा। हम लोग प्लान किए थे जब भी ये ब्लॉग का शुरुआत करेंगे ये उड़ीसा के पहले वंदे भारत का जगन्नाथ टेम्पल से ही करेंगे। अच्छा भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे सुबह सुबह? हाँ ले लो ले लो। तो देख लो जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं पुरी सी बीच के पास। ये देख लो अपना मरीन ड्राइव रोड जहाँ पे मैं स्कूटी से और बाइक कितना ही घूमता हूँ और अभी भी हमारे पास स्कूटी था तो आगे अक्षय को लेके। कैसा लग रहा है अक्षय बाकी का वो बीच देख कर ये बीच देख कर? 2 किलोमीटर में एक्चुअली वहाँ वो भी बढ़िया है लेकिन भीड़ रहता है ना। ये देख लो पूरा खाली खाली सा है तो इसलिए मेरे को ये ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप ब्लू फ्लैग बीच भी जा सकते हो। अदरवाइज चलो दिखाना था बीच, मंदिर दिखा दिया मैंने, पूरी सी बीच भी दिखा दिया। अब एक काम करते हैं एक ही बार ये वीडियो को स्टेशन से ही कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग पूरी रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए हैं। यहाँ पे देख लो बैरिकेड वगैरह लग चुका है क्योंकि अभी किसी को भी अंदर अलाउ नहीं करेंगे। हम लोग इनॉग्रल रन में हमारा इन्विटेशन है तो हमारा यहाँ से एंट्री होगा। तो देख लो आज का जो सारा ये फंक्शन है ना इनॉग्रल का
सब कुछ यहाँ होने वाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्योंकि स्टेशन का भी काम चल रहा है तो अभी उतना जगह नहीं है, दैट्स व्हाई थोड़ा स्टेशन के बाहर की तरफ हो रहा है। पूरा देख लो एकदम मीडिया कवरेज वगैरह सब कुछ होने वाला है। चलो जी जाते हैं हम लोग अंदर, पासेस कलेक्ट करते हैं अपना। तो ये देख लो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पूरी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अभी चल रहा है ना पूरी रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन का काम, इसलिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख लो हर जगह ओडिशा फर्स्ट वंदे भारत। हाँ जी आज हम लोग कवर करने वाले हैं ओडिशा का फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी कोलकाता लाइक पूरी से डायरेक्ट मेरे घर तक। और देख लो स्टेशन को क्या खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है पूरा एकदम रेड कारपेट के साथ। एंट्री तो कर गए हैं लेकिन सबसे पहले हमें कलेक्ट करना है पासेस। देख लो अपना पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का फर्स्ट लुक एकदम सामने, ऐसे क्या दिखाएंगे अंदर जाके दिखाते हैं आपको। एक यहाँ पे देख लो काफी मस्त सिस्टम बैठा रखा है भाई, ये चीज काफी सही है होना चाहिए। इसके अलावा अभी यहाँ का लोकल जो कल्चरल डांस होता है ना वो भी हो रहा था। और यहाँ से अपना एंट्री है और वंदे भारत जस्ट सामने में ही खड़ी है देख लो। बट अपना पासेस वहाँ कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, देन चलते हैं यहाँ पे। हाँ जी तो देख लो अभी हम लोग स्टेशन के अंदर एंटर तो कर गए हैं। ये हमें कुछ देख लो सोवेनियर टिकट भी मिल गया है कोलकाता टू पुरी का। और ये अपना देख लो एकदम नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस, बोल सकते हो ये उड़ीसा का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है तो इसको मुझे जैसे भी करके कवर करना था। तो एक काम करते हैं अंदर जाते हैं, तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं अंदर का क्या इंटीरियर है, कैसा है, सर्विसेज कैसा है, रूट क्या क्या होने वाला है, टाइमिंग क्या होगा, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। चलो जी ट्रेन के अंदर एंटर तो कर गए। और एक चीज देख लो मैं जानबूझ के एग्जीक्यूटिव क्लास से एंटर हुआ ना ताकि मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव क्लास भी दिखा पाऊँ। और सीट्स ना कलर आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगा ये। एक चीज तो देख लो ये हेडरेस्ट देख लो थोड़ा सा अलग ही टच है इसमें। और बाकी ये सब तो आपको पता ही है टच लाइट्स सब तो होते ही हैं। और इसके अलावा चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको नीचे मिलता ही है। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारे वंदे भारत को कवर करके दिखाया है और ये वाले को स्पेशली मेरे को दिखाना था क्योंकि मैं इतने बार पूरी आते रहता हूँ और ये हावड़ा पूरी, इसलिए भी मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाले रूट को दिखाने के लिए, इस ट्रेन को दिखाने के लिए। भाई ये चीज काफी अच्छा लगा मेरे को देख लो भाई, इतने गर्मी में ये लोग ये सब पहन गए यार, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ। अरेंजमेंट तो जो भी बोलो काफी अच्छा किया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया काम किया है। और इतने गर्मी में इतना वजन लेकर चलना है यार, सब पेट के लिए काम कर रहे हैं भाई। देख लो मेहनत करो पैसे कमाओ, कोई शॉर्टकट मत लो। अरेंजमेंट तो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे स्टेशन में रेड कारपेट बिछा के रखा हुआ है। बाहर तो वैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, वैसे मैं भी आ गया हूँ अपने कोच में जो कि ये सीट है, अभी भी सीट हमारा डिसाइड नहीं हुआ है। मेरा तो प्लान है ये वाला सीट अगर मिल जाए तो ये ले लूंगा क्योंकि इसमें क्या होता है ना आप अच्छे से खाना पीना भी तो खा ही सकते हो, साथ में काम भी आप अच्छे से कर सकते हो, एक एडवांटेज ये होता है ये वाले सीट। बाकी हाँ चेयर कार का तो मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूँ क्या है फैसिलिटीज क्या नहीं है, लाइट्स वगैरह आपको हर जगह सेम वही मिलता है। बाकी लेग स्पेस भी देख लो अच्छा खासा है चेयर कार के हिसाब से, सब कुछ सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है दिखाने के लिए। अलग क्या है रूट ओडिशा का पहला वंदे भारत, सर्विसेज किस टाइप का है क्या नहीं वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा और इसका ऑफिशियल हॉल्ट क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको अपने रेलवे मिनिस्टर। ऑलराइट तो देख लो जी अभी हम लोगों ने साइड में ये चारों सीट ले लिया है। एक्चुअली क्या है ना सीट किसी का भी अलॉट हुआ नहीं था, हम लोगों ने स्पेशली बोल के ये लिया क्योंकि देख लो भाई ये सारा तामझाम। और इसके अलावा खाना पीना सब कुछ रखने का भी होता है ना तो ये बहुत बढ़िया होता है वैसे। और साथ में अपने देख लो सौमित भाई है, अभी बांग्लादेश से डायरेक्ट यहाँ आ रहा है लेकिन भाई अक्षय भाई भी कोई कम नहीं है, थाईलैंड से डायरेक्ट इधर आ रहे हैं, अभी तक घर नहीं गए हो ना। चलो और बाकी ये प्रियंका हमारे साथ, बाय द वे ये भी अभी नया ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए, उड़िया में ब्लॉग बनाती है, क्या बोलते हैं प्री ब्लॉग, तो हाँ जी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाके आप भी चेक कर लेना। मैं इनको ऐसा ब्लॉगर नहीं जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ जब भी हम लोग पूरी में आते हैं तो इनका रेस्टोरेंट भी है, क्या रेस्टोरेंट है पारिजात रेस्टोरेंट है। तो ऑलवेज लाइक लेकिन कल मैं इवन मिला ना बहुत अच्छा नेचर है सबका, मतलब इतना अच्छे से इन्होंने जेस्चर इतना अच्छे से ट्रीट किया, खाना पीना खाया और पूरा घर जैसा फील आया मुझे पूरा एकदम। थैंक यू सो मच, एकदम घर जैसा वेलकम मिला यार। ऐसे मिलते रहे ना लोग तो मुझे ऐसा लगता भी हम घर से दूर हैं। बहुत बढ़िया लगा, बाकी खाना वाना सब कुछ आप भी जब भी आओगे पूरी तो पारिजात रेस्टोरेंट विजिट कर लेना कभी मौका मिले तो। जर्नी स्टार्ट करने से पहले सभी को जय जगन्नाथ। वैसे अभी टाइम देख लो 12:58 हो रहा है और 1 बजे का यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम था और सब गेट क्लोज होने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया है। गेट अपना क्लोज हो चुका है, बस निकलते हैं सबसे पहले साथ जो हमारा स्टॉप होगा वो खुर्दा रोड होगा। चलो पूरी रेलवे स्टेशन से फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। ओ क्राउड देखो यार। ये रहे हमारे रेलवे मिनिस्टर जी श्री अश्विनी वैष्णव जी।
20 मिनट लेट निकला बट चलो कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे हो सकता है। थैंक यू। तो ये देख लो जी, एंटर करते ही सबसे पहले हमें अपना ये रेलवे का रेल नीर पानी का बोतल मिल चुका है। ये छोटा वाला मिला है वैसे। और हाँ देखो, सबसे मेन चीज मैं तो टाइमिंग बताना ही भूल गया, और ट्रेन नंबर अगर हम बात करें पूरी से, अगर आप हावड़ा ट्रेवल करना चाहते हो, ट्रेन नंबर 22896 दोपहर में चलेगी 1:50 पे, और आप ठीक 8:30 बजे पहुंचेंगे हावड़ा, एंड रिटर्न में चलेगी ट्रेन नंबर 22895 सुबह 6:10 पे चलेगी, और 12:35 पे आप आ जाएंगे पूरी। टोटल किलोमीटर 500 किलोमीटर रहेगा और टाइम लगेगा लगभग 6:30 घंटा ना, 6:30 घंटा लगने वाला। अपनी जो शताब्दी है वो शायद 7 या 7:30 घंटा लगता है, 1 घंटा 10 मिनट वैसे कम है इसका, और एवरेज स्पीड भी काफी अच्छी मेंटेन करेगी, 75-76 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। और स्टॉप क्या होने वाला है? कमर्शियल 7 कमर्शियल स्टॉप है, बाकी अभी नहीं बताएंगे, वो आपको कवर करें वो बताते रहेंगे भी कौन कौन सा कमर्शियल है, कौन कौन सा इनॉग्रल में रखा गया। वैसे भी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 1:47, और ये आ चुका है अपना लंच। तो देख लो जी, ये अपना लंच आ गया है, और दिखाते हैं पहले क्या है इसके अंदर। काफी बढ़िया एक बॉक्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और बाय द वे ये जो लंच हमें सर्व किया गया है ना, ये बस आज इनॉग्रल जर्नी के लिए, नॉर्मल डेज में ऐसा लंच नहीं मिलता है। तो देख लो जी कुछ ऐसा लंच है अपना। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले ढक्कन को हटाते हैं, फिर दिखाते हैं अंदर में क्या क्या है। तो देख लो जी कुछ ये अपना लंच है, राइस है, दाल, साथ में सूखी पनीर की सब्जी है, एक और ऐसा मिक्स सब्जी दिख रहा है मुझे सूखा, इसमें चपाती या फिर पराठा होगा, दिखा दूंगा मैं, और दो गुलाब जामुन भी है अपने पास। तो यही कुछ अपना लंच सर्व किया गया है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है ना, अगर आप नॉर्मल जर्नी भी करोगे वैसे कमर्शियल जर्नी, इसी टाइप का सिमिलर ही खाना मिलेगा आपको। और इसके अलावा देख लो, एक अलग से यहाँ पे कटलेरी तो है ही, साथ में पास्ता, सॉल्ट, सब कुछ दिया हुआ है। इसमें ना ही पराठा था और ना ही चपाती था, इसमें मेथी का पराठा है। पराठा थोड़ा ठंडा हो गया, इतना सब कुछ एक साथ अरेंज करने में तो हो जाता है, लेकिन अच्छा लग रहा है पराठा। बाकी थोड़ा राइस, दाल तो वैसे मेरे को पसंद है नहीं, ले लेते हैं। दाल भी बहुत अच्छा लगा, राइस के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। खाना तो बढ़िया मिला है, सिंपल है लेकिन बेस्ट है, बहुत अच्छा खाना है। ये मेथी का पराठा और पनीर बहुत बढ़िया लग रहा है। दाल मेरे को कभी भी ट्रेन का पसंद नहीं आता है, लेकिन दाल राइस सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यही है ना, खाना थोड़ा ठंडा हो गया, अगर खाना गर्म रहता है ना बहुत ही बढ़िया खाना था। सौमित भाई ने भी ट्राई किया, कैसा लगा खाना भाई? पनीर वनीर तो बहुत बढ़िया लगा, दाल मुझे नॉर्मली लगी, हाँ ये हो कि अगर थोड़ा गर्म होता तो भाई भाई बात है, खाना बहुत अच्छा है, बस खाना गर्म नहीं है, बट अरेंजमेंट्स करे उन्होंने उसके लिए, हाँ इतने लोगों का एक साथ करना ये भी है ना। बाकी अक्षय अभी भी थंबनेल ही ले रहा है, तो पहले टेस्ट कर लो फिर बता देना कैसा है। खाना ठीक है, मतलब इनॉग्रल के हिसाब से कैसे ठीक है, इससे और बेटर हो सकता है। ओके, कमर्शियल में अच्छा खाना दे और होगा कुछ ऐसा, उड़िया खाना में कोई टच दिखा नहीं दिखा। तो हाँ, इसके बाद मैं अभी एडिटिंग में लग जाऊंगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा दिखाने का तब जरूर दिखाऊंगा मैं। चलो जी, ये आ गया अपना पहला ऑफिशियल हॉल्ट, खुर्दा रोड। और वैसे मैं बता दूं, यहाँ जब इसका कमर्शियल रन होगा ना तब भी इसका स्टॉप है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले कमर्शियल हॉल्ट में, देख लो भाई साहब अलग ही क्रेज है इस ट्रेन का, ये मुकाबला नहीं तभी तो बातें करने के लिए। काफी लोग बोलते हैं बार बार भैया वही वंदे भारत, वो वंदे भारत इमोशन ही बिल्कुल ना देखा, बहुत अलग हो जाता है। सही बात है, और लोग कनेक्ट करते हैं यार, देखो मतलब मैंने देखा है लोग ना खुशी खुशी बताते हैं हमारे ओडिशा का पहला वंदे भारत, हमारे ओडिशा का पहला वंदे भारत, ये एक चीज है। बाकी खोर्धा से अपना ट्रेन निकल चुका है, अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है भुवनेश्वर। तो देख लो जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, और ये अपना सेकंड हॉल्ट है, और ये जो है ना ये ऑफिशियल हॉल्ट भी है, तो भुवनेश्वर में अपना ट्रेन रुकने वाला है। अब देख लो भाई अलग ही माहौल है यहाँ पे। तो अभी जस्ट हमारा ट्रेन भुवनेश्वर से निकला है, इसका जो अगला हॉल्ट है ना वो है कटक। भुवनेश्वर से जस्ट अपना ट्रेन निकला है, और अभी चेन पोलिंग भी हो गया था, ट्रेन रुका हुआ था हमारा, क्योंकि काफी सारे जो विजिटर है वो अंदर आ जा रहे हैं ट्रेन देखने के लिए, और अंदर ही लॉक हो जा रहे हैं। वैसे तो देख लो कुछ ऐसा अलग सा नहीं है इसमें दिखाने के लिए, ट्रेन, कोचेस, वॉशरूम वगैरह सब कुछ सेम ही होता है। कटक में एक अपने भाई भी आने वाले मिलने के लिए। कैसा भाई? मस्त। तो अभी हमारा जो ट्रेन है ना कटक में, यहाँ पे वैसे इसका ऑफिशियल हॉल्ट भी होने वाला है, जब इसका नॉर्मल जब कमर्शियल रन होगा ना तब ये कटक में भी रुकेगा। तो हाँ, ये हमारा वैसे तीसरा स्टॉप था। तो देख लो कटक से हमारा ट्रेन निकल चुका है, और जैसे ही ये स्टेशन से निकला अभी आने वाला है उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी, कर रहे हैं उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी महानदी। ऑलराइट, तो अभी हमारा सीट चेंज हो गया, अभी हम लोग आ गए हैं C14 कोच में, जहाँ पे हम तो हैं, और हमारे साथ कौन है? श्री यशनी वैश्यम जी सर भी थे, और कैसा लगा?
भाई बहुत मजा आ गया हमसे बात करके। बाकी यहीं पे बैठे हैं वो अभी अभी स्टेशन में गए हैं। सच बता रहे हैं, जब मैं बी रोड के गलियों में अपने खेलता था ना वहाँ पे, तब कभी नहीं सोचा था कि रेलवे मिनिस्टर के साथ कभी जर्नी करूंगा, उनसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं बैठ कर। यहाँ बैठा था मैं, यहाँ वो बैठे थे। वो अभी आप फुटेज देखोगे, मैं बता रहा हूँ ना, अपने ड्रीम पे बिलीव करो, सब कुछ होगा। क्यों भाई, बस ये काम करते जाओ, नाम चलता रहेगा। बट बढ़िया वे में काम करो, अच्छा काम करो, वो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो, वो बस थोड़ा देर के लिए मिलता है फेम। और कुछ नहीं, यूज़ संभालोगे, इज्जत नहीं कमाओगे, लेकिन इज्जत नहीं कमा पाओगे। मानविकता धर्म अमर, एकता अमर शक्ति। मानविकता धर्म अमर, एकता अमर शक्ति। से बाटई परम धर्म, अहिंसा अमर नीति, अहिंसा अमर नीति। संप्रदाय सरणी अमर, मुक्ति प्रति जति जहरा। संप्रदाय सरणी अमर, मुक्ति प्रति गति जहरा। जातीयता मातृभाव, बजाय रखे आम सहति, बजाय रखे आम सहति। गायबा तार जय गीति, गायबा तार जय गीति। आज हम अति भाग्यशाली जो चल रही है वंदे भारत। आज हम अति भाग्यशाली जो चल रही है वंदे भारत। सच सच धन्यवाद भारतीय रेल को, मोदी जी की कुशली हाथ, मोदी जी की कुशली हाथ। जगन्नाथ प्रीति हमारी संस्कृति, हमारी उड़ीसा की जान। जगन्नाथ प्रीति हमारी संस्कृति, हमारे उड़ीसा की जान। रखे उड़ीसा की मान, रखे उड़ीसा की शान। रखे उड़ीसा की मान, रखे उड़ीसा की शान। नमस्ते। सबसे पहला चीज जो अभी एक कुछ सालों से मैंने देखा है, लोगों के मन में एक पैड आ गया, लोग भूल चुके थे ट्रेन को, लिटरली भूल चुके थे। और लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि हाँ ये तो ट्रेन है तो लेट तो होगा ही, ये तो होगा ही, ऐसा होगा। टाइम पे चल रही है, अब सब कुछ टाइम पे सर। अब ऐसा हो गया ना सर, हमें होटल नहीं मिलता है, बट हम प्लेटफॉर्म भी सो सकते हैं। अभी तो जो नए स्टेशन बन रहे हैं जी सर, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, आपने डिजाइन देखे हैं? ट्रेन स्टेशन फास्टेस्ट वंदे भारत में जो 160 किलोमीटर, साथ में किया था सर, साथ में किया था हम लोगों ने सर। हम लोगों ने एक वाटर टेस्ट किया था सर, ये अच्छा टेस्ट का नाम सर। एक ग्लास में हम लोगों ने उसको पूरा एकदम ऊपर टिप तक भर दिया, पूरा टिप तक, मतलब अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो नीचे गिरेगा, टिप तक भरने के ब्लॉक तक नीचे। चल रहा है बट बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। फ्लाइट से भी ज्यादा कंफर्टेबल, फ्लाइट से 100 गुने कम, 100 टाइम्स लेस भद्रक रेलवे स्टेशन। हर स्टेशन में भाई अलग ही तरीके का वेलकम किया गया। हमारे रेल मिनिस्टर से मिलकर आपको कैसा लगा भाई साहब? मतलब एक इतने डाउन टू अर्थ इंसान कैसे हो सकते हैं? मतलब सोचिए रेल मिनिस्टर को कितनी और काम है, वो सुबह से ही ट्रेन में बैठे इंश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ सर्विसेज जो है मेंटेन रहे, हेड्स ऑफ बात कर रहे हैं, हेड्स ऑफ कर। और ऐसा नहीं कि बस ट्रेन में आए वो भुवनेश्वर उतर गए, ऐसा नहीं, एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं वो। मैं तो उनका फैन बन गया सच। और भी आने वाले टाइम में बहुत सारा रेलवे का प्रोजेक्ट्स है जो कि आपको पता चलेगा, जो कि अभी हम लोग उतना दिखाते रहेंगे। डोंट वरी, और हम चाहते हैं भाई एज अ इंडियन भाई हमारा फर्ज बनता है, हमारा मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, प्रमोट करना है भाई, ये हमारा अच्छा। अभी जैसे ही हम लोग इंटरव्यू कंप्लीट करके आए, देख लो आते ही यहाँ पे हमें स्नैक्स बॉक्स मिल चुका है, देखते हैं क्या है अंदर में। तो देख लो जी, स्नैक्स में हमें ये मिला है, समोसा है, सैंडविच है, साथ में मूंग दाल है, केचप है, चोको पाई भी है, तो यही सब है देख लो। बाकी एक कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। तो देख लो जी, अभी आ गए हैं हम लोग बालेश्वर। आपको 12 कैसे फॉलो कर रहा हूँ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी कितना बहुत दिन से मिलने आज, आपकी मम्मी और पूरा नानी जी मानता हूँ। ये भी भाई बालेश्वर से ब्लॉग बना रहा है, क्या नेम है चैनल का? रजत पत्र। चलो भाई देख लेना अगर आप विजिट करते हो उड़िया में। चलो बाय 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 बाय। चांदीपुर चांदीपुर जरूर, पक्का जरूर, बाय बाय बाय। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एकदम 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 एकदम, चलो चलो, जय जगन्नाथ।
वो विंडो से दिखा रहे हैं मोहित भाई, थोड़ा सा गेट पे आ जाओ। मैं भी गेट पे गया। क्या है भैया ये स्नैक्स बॉक्स फिर से एसीआर की ओर से? जो पहले था वो एक और की ओर से था, ये एसीआर की साउथ ईस्टर्न रेलवे। एंड ये बहुत ही फेमस, मतलब ये जो है सुधर नहीं है, बहुत ही ज्यादा फेमस। हाँ ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन फ्रूट्स केक्स वगैरह भी है इसमें। एक क्रीम रोल है, एक चीज सैंडविच है म्यू अमोर का, एक स्नैक्स में कचौड़ी है, ना भुजिया है, मैंगो जूस। और देख लिया आपने बॉक्स के अंदर क्या क्या है? टाइम देख लो अभी 7:41 हो रहा है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खड़गपुर। भाई बाहर निकलना मुश्किल है, अच्छा खासा भीड़ है स्टेशन में। आपसे मिला आपका, कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? आप भाई आगे चलने का, मैंने मेरा चैनल का नाम है अरिंदम ब्लॉग्स करके। ओके ओके चलो, असल में ड्यूटी था सुबह से, आप सुबह से 10 बजे तक वेट करें ट्रेन का। चलो बाय 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 बाय। वैसे अभी टाइम देख लो 8:30 बज रहा है, खड़गपुर से निकले हुए ज्यादा से ज्यादा हमें 15 से 20 मिनट हुआ होगा और यहाँ मिल चुका है देख लो हमारा डिनर। और डिनर में वैसे वेज बिरयानी है। आप यहाँ पे गलत हो, क्या बिरयानी कभी नहीं होता वो तो है। बिरयानी दो ही टाइप की होती है, एक चिकन और एक मटन। कल लोड बढ़ी है, खा कर देख लो जी, यही मिला है हमें, वेज पुलाव ही बोल सकते, वो तो बिरयानी बोलकर दी है। तो मैं बता दूं अभी तक का खाया हुआ मुझे सबसे अच्छा यही लगा खाने में, वेज बिरयानी जो भी था ये बहुत ही बढ़िया था। एक देख लो प्लेट देखकर आप आइडिया लगा लो, मैं कुछ भी नहीं खा रहा था ठीक से, थोड़ा थोड़ा खा रहा था, इसे देख लो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है। फाइनली देख लो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। और भाई साहब पीछे के साइड में क्या बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है। भाई हमसे मिले थे जब मैं कहाँ से आ रहा था, टाटा नगर से ना? नहीं यहाँ पाए थे तमिलनाडु। तमिलनाडु से? अच्छा अभी देख लो मैं आ रहा हूँ पुरी से, तो फिर से मिल गया भाई से। मिलने के लिए हम यहाँ पे आए हुए। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपने स्टोरी देखा कि आप वंदे भारत में हैं, तो यही रहते हैं। हाँ जी अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूँ और आते आते तो काफी लेट हो गया। और अब सबसे मेन बात, इसका जो कमर्शियल रन है वो कब से स्टार्ट होगा? वैसे आज तो जो आपने देखा ये इनॉग्रल जर्नी था, कमर्शियल रन जो इसका कल से स्टार्ट है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आप 19 तारीख को देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो 20 तारीख को देख रहे हो तो 20 तारीख से इसका कमर्शियल रन स्टार्ट हो जाएगा। हावड़ा से ये पूरी वंदे भारत जो है ना सुबह के 6:10 में निकलेगा और पूरी पहुंचेगा लगभग 12:30 बजे। और फेयर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसका जो टिकट है एग्जीक्यूटिव क्लास में करवाते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 2500 रुपीज, और अगर आप चेयर कार में अपना टिकट बुक करते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 1300 रुपए। एक बात बताऊं मैं, खास बात आपको जान के हैरानी होगी, ये शायद पहली वंदे भारत जो भाई फर्स्ट डे इनॉग्रल पे पूरी पैक है, कमर्शियल पे पूरी पैक, नॉट इवन सिंगल सीट्स खाली, नॉट अवेलेबल, दिख रहा है ना, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो कम्प्लीट पैक, हाउसफुल है, हाउसफुल है गाड़ी। तो ये ट्रेन भी ऐसा है, डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगा इस रूट में, तो नो डाउट। बाकी तो सर्विसेस कैसा रहेगा, बीच में कभी पूरी जाना हुआ तो इस ट्रेन से जाएंगे, तब इसका कमर्शियल जर्नी भी आपको दिखा देंगे जो नॉर्मल जर्नी होता है, कैसा सर्विस है कैसा नहीं। फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक देख लो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे है सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिल, क्या बात है ये वंदे भारत की, क्या बात है जी, मजा आ गया। नई एक वंदे भारत उड़ीसा में लॉन्च कर दी गई है पुरी से हावड़ा तक, और बहुत ही मुश्किल नाम है, हमें नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बहुत ही जबरदस्त था आज की जो जर्नी में, रेलवे मिनिस्टर भी उनके साथ थे, बहुत ही जबरदस्त इंसान लगे, डाउन टू अर्थ, बहुत ही नाइस मैन, और वैसे भी मैंने बहुत सारा उनका बारे में सुन रखा है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मोदी जी की टीम हो और हार्ड वर्क ना हो ये तो नहीं सकता, ये जचता नहीं है। कमाल का हार्ड वर्कर है, तो फिर जो टीम होगी तो फिर वो भी तो हार्ड वर्क करेगी, और नजर भी आ रहा है एक एक मिनिस्टर की कारकर्दगी नजर भी आ रही है, और मोदी जी एक एक से कारकर्दगी ले भी रहे हैं और वो आगे से डिलीवर भी कर रहे हैं। कमाल है जी, हर बंदा जो है ना, देखे जो टीचर है वो तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन आगे से जो स्टूडेंट्स हैं वो कमाल ही भी कमाल कर रहे हैं। बड़ा मजा आया जी, नई जर्नी देखी हमने, लोगों की एक्साइटमेंट देखी, लोगों का डांस देखा, और जो कल्चरल शो था इतनी गर्मी में भी इतने हैवी हैवी ड्रेसेस उन्होंने पहन रखे थे, लेकिन एक चीज है वो लोग अपने कल्चर के साथ इतना जुड़े हुए हैं, अपनी हिस्ट्री के साथ इतना जुड़े हुए हैं, और
दिखाने में वो पीछे नहीं रहते। ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की कि आप अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से और हर चीज से आप इतने जुड़े हुए हैं। हम जिनसे बात भी करते हैं वो भी हमें हर एक चीज उनको पता होती है क्योंकि उनको हिस्ट्री पढ़ाई गई है और हमें अगर नहीं पढ़ाई गई तो हमें कैसे पता होगा हमसे हिस्ट्री छुपाई गई है। भगत सिंह हमारा भी हीरो है, वो तो हमारे बहुत सारे 90% लोगों को ये नहीं पता कि हम इसी हिंदुस्तान का हिस्सा थे उस टाइम, और जितने भी हीरोज गुजरे हैं हिस्ट्री के वो हमारे ही हीरोज थे। चले खैर ये एक अलग बात है, अलग डिबेट है, लेकिन मजा आया जी यार। देखो जल्दी दिल्ली में की तरफ से वो लंच भी मिल रहा है और डिनर भी भाई जी चार चार बार मिला है, चार चार बार ऐसे ही। और उसकी एग्जेक्टिव क्लास को लेते हो तो 2500 रुपए की उसकी टिकट है और यहाँ पे अगर हो तो वो 2500 का तो सिर्फ खाना आ जाए ऐसे ही तो फ्री में आप ट्रेन के मजे ले रहे हो यार। आप लोगों के मजे तो खाने के पैसे लो, ट्रेन के मजे लो। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, सस्ता ट्रेन टिकट भी है, बेहतरीन खाने भी है, वो भी एग्जेक्टिव क्लास है और इतनी जबरदस्त है आपको फोन चार्ज करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। मजा आ गया जी ट्रेन जर्नी को देख के और बड़ा ही एक्सक्लूसिव फुटेज हमें देखने को मिली, रेलवे मिनिस्टर देखने को मिला और लोगों की जो एक्साइटमेंट थी उसका लेवल तो अलग ही नजर आया और जबरदस्त था। कमाल है जी, जबरदस्त तरीके से देखें आप वो। एक चीज है एग्जेक्टिव और वीआईपी क्लासेस, और देखें जो टाइम बचेगा, बचत तो होगी होगी जो भाई टाइम के लिए वो देखें, पहला रन कमर्शियल रन और पहली ही बुकिंग हाउसफुल तो ये होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की और लोग शौक से जाते हैं ट्रेन का सफर में क्योंकि टाइम भी बचता है। स्टेशन पे देखेंगे लोग कैसे जो है एक्साइटेड थे, सस्ता भी बचता है और हर चीज बेहतरीन तरीके से। आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।